हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की पूड़ी और साथ में टमाटर की चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही चटपटा, बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट भी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए। मैंने यहाँ पे लिया 3 कप आटा और इसमें मैं ऐड करती हूँ बेसन 1/2 कप। आलू को मैंने उबाल लिया था, 5 मैंने मीडियम साइज का आलू लिया, उसको पहले मैश कर लिया। अब आटे में मिला देते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और साथ ही साथ मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून। थोड़ी सी अजवाइन को क्रश कर लेंगे, उसमें मैं ऐड कर देती हूँ अजवाइन को और साथ ही साथ धनिया पत्ता को बारीक काट के उसमें ऐड कर देंगे, इससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इसको पहले। थोड़ा सा पानी लगा के आटा को लगा लेंगे और इसे ज़्यादा सॉफ्ट हमें नहीं गूंथना है, थोड़ा सा सख्त ही रहे। और इसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर देती हूँ। इसे 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। 1/2 घंटा हो गया, अब चलिए पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो छोटी छोटी मैंने लोई काट ली है इस तरह से और इसे रोल कर लेंगे थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के इस तरह से। इसी तरह सारे पूड़ियों को मैं बेल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने पूड़ियाँ इस तरह से बेले हैं। अब इस कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तेल भी गर्म हो गया, अब पूड़ियों को तल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, इसको मीडियम फ्लेम पे ही, तेल हमारा अच्छे से पहले गर्म हो जाना चाहिए और पूड़ियाँ देखिए फूल रही है अच्छे से इस तरह से। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही चटपटा नाश्ता है, बहुत जल्दी बनने वाला भी है, सबको बहुत पसंद आएगा आप इस तरह से बनाएंगे। तो सारी पूड़ियों को इसी तरह तल लेना है हमें। और फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप देख सकते हैं कि मैंने चटनी के साथ सर्व कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।